लास्ट वाला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक महीने बाद मैंने अपने बालों को धोया, किस तरीके से धोया, कौन सा ऑयल लगाया, कौन सी रेमेडी लगाई, कौन सा शैम्पू यूज किया है, और मैं बाहर आई हुई हूँ जिस वजह से मैंने एक महीने तक बाल नहीं धोए थे। इस वीडियो को जाइए देखिए। आज का जो वीडियो है वो एक ही एप्लीकेशन में आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा, शाइन देगा, काले बनाएगा, घने बनाएगा, मोटे बनाएगा। अगर आप पार्लर में जाके ये ट्रीटमेंट करवाएंगे ना तो आपको हजारों रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन एक बार में ही आपके बालों को इतना स्मूथ और इतना काला बना देगा कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मेरे बच्चों के बाल आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राउन कलर के हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल नहीं थे। इनके बाल ब्लैक बाल थे और काफ़ी शाइनी बाल थे। जैसे मैंने बताया बाहर आई हुई हूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन बाल इतने गंदे हो चुके थे, मैंने सोचा कि क्यों ना DIY किया जाए और थोड़े से बालों की हालत को सुधार दिया जाए। तो आप देख सकते हैं, प्रमाण है आप लोगों के सामने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरे पास इंग्रेडिएंट थे मैंने उन्हीं का यूज किया है, कहीं बाहर से मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। दही जमाया हुआ था मैंने घर का, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है। आपको भी घर का दही लेना है, पैकिंग वाला यूज करना तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको बचपन से यूज करती आ रही हूँ अपने बालों में, इसने मेरे बालों को ब्लैक बनाया है, लंबा बनाया है, सिल्की बनाया है, स्मूथ बनाया है, अच्छा बनाया है। दो मुँह बाल अगर आपको है ना तो वो भी परमानेंटली हटा देगी। आज की रेमेडी ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ देगी, लंबा नहीं बना पा रहे हैं तो लंबा बनना शुरू हो जाएंगे, किसी प्रकार से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और मेरे बच्चे के जैसे आपके भी बाल हो चुके हैं। तो इन बालों को स्मूथ बनाने में, एक ही बार में स्मूथ बनाने में विश्वास करके लगाना है, बहुत अच्छी कमाल की रेमेडी है। उसके बाद मेरे पास सरसों ऑयल रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि मार्केट वाला ऑयल लगाने से अच्छा है कि मैं सरसों ऑयल इनके बालों पे लगाऊं। तो मैंने एक चम्मच के करीब सरसों ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। सरसों ऑयल के अंदर प्रोटीन भी होता है, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। दानी दानी यही यूज करते आ रहे थे, मतलब मार्केट में तो अभी आना शुरू हुए हैं इतने सारे ऑयल, सबसे पुराना ऑयल यही है हमारा। अगर आप इसी को लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच के करीब कॉफ़ी डाल दी है। कॉफ़ी क्या करती है कि जितने बाल डैमेज हो चुके हैं ना उनको अच्छा बेहतर बनाती हुई चलती है और एक शाइन दे के जाती है बालों के अंदर। तो ब्लैक बाल होंगे, शाइनी बाल होंगे, दो मुँह बाल हैं वो हट जाएंगे, लंबे भी बनेंगे लगातार यूज करने से, बालों की ग्रोथ भी होगी और सबसे पुराना और सबसे अच्छा DIY है। तो अब मैं इनके बालों में लगाना शुरू कर देती हूँ। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है क्योंकि स्टैंड में लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, मैंने सोचा था मैं घूमूंगी एंजॉय करूँगी। तो आपको भी बिल्कुल जड़ों से लगाना है, पूरे बालों की लेंथ पे आपको इसे लगा लेना है। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इसीलिए मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए रख दिया और बिल्कुल अच्छे से मैंने इनके बालों पे ये जो रेमेडी है ये लगाई। अच्छा, जो ये रेमेडी है सिर्फ आपको आधा घंटे के लिए अपने बालों पे रखनी है, उसके बाद आपका जो पानी होगा हेयर वॉश का वो हल्का सा गुनगुना होगा, हल्का सा गुनगुना। आप देख सकते हैं पूरे बालों पर मैंने लगा दी है। और शैम्पू करना है इसके बाद में आपको, ठीक है ना। तो शैम्पू करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो अमेजिंग रहेगा, आपको भारीपन दिखेगा आपके बालों में, शाइन दिखेगी। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आपने आगे देख ही लिया होगा। तो ऐसी ही अगर आप रेमेडी लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बालों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है, जल्दी जल्दी मैं आवाज़ दे रही हूँ ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचे और चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। ऐसे ऐसे और भी DIY देखने के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, बाय।